टिक टॉक गर्ल हरीम शाह की वज़ीरे आज़म आफिस में वीडियोस की हकीकत सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक आज टिक टॉक गर्ल करी हरीम शाह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दश करने लगी कि मॉडल इस वीडियो में वज़ीरे आज़म आफिस के अंदर मौजूद हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताहम अब कहानी कुछ और ही निकली। ज़राए का कहना है कि टिक टॉक स्टार हरीम शाह जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं उसका वज़ीरे आज़म हाउस या ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल वजारत खारजा का है, जिसको गलत अंदाज में पेश करके वज़ीरे आज़म हाफिस से मंसूब किया गया। हरीम शाह की वजारत खारजा के कॉन्फ्रेंस हॉल में बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वज़ीरे आज़म आफिस ने भी इसका नोटिस ले लिया है। वज़ीरे आज़म आफिस के नोटिस लेने के बाद वजारत खारजा के अफसरान की दौड़े लग गई हैं। हरीम शाह को वजारत खारजा के अहम कमेटी रूम तक रसाई की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरीम शाह बोर्ड रूम में सदारती चेयर पर बैठी हुई हैं। ख्याल रहे कि मारूफ मॉडल हरीम शाह कुछ अरसा कबल इस वक्त मीडिया की खबरों की जीनत बनी थी, जब सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान ने मॉडल हरीम शाह और उनकी दोस्त पर अपने हेलीकॉप्टर पर कुछ सामान चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था।